हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एंड शॉपिंग। मैं हूँ आकृति। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हम दिन भर तो अपने स्किन का काफ़ी अधिक केयर करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं या फिर होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं ताकि हमारा स्किन जो है वो ग्लो करे, पैम्पर रहे, साथ ही साथ स्मूथ रहे, हाइड्रेट रहे, लेकिन नाइट के टाइम में ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नाइट के टाइम में स्किन केयर रूटीन फॉलो करना काफ़ी अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं, हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, उसी तरीके से हमारे फेस की मसल जो होती है वो भी रिलैक्स होती है, और उसे अच्छी तरीके से हाइड्रेट होने के लिए और उसे मॉइस्चराइज होने के लिए हमें नाइट क्रीम लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज मैं दो तरीके का नाइट क्रीम का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे मैं इस्तेमाल करती हूं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं उसका आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरीके से उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके थोड़े बहुत डिमेरिट्स हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लोटस के नाइट क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ। मैं लगभग 1.5-2 साल से लोटस के इस हर्बल यूथ एक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही थी। ये क्रीम मेरा फिनिश हो गया है, तो इसका 2 पैक मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और ये मेरा फिनिश हो गया। तो मैंने लोटस के इस वाइट ग्लो, लोटस हर्बल के इस वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नरिशिंग नाइट क्रीम को परचेज किया है, और ये क्रीम जो है वो इस पे दिया हुआ है कि 7 डेज के अंदर इसके रिजल्ट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो मैं इसे 15 डेज से अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा क्रीम है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके विषय में आपको, यानी कि लोटस हर्बल यूथ एक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम के विषय में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा, लोटस काफ़ी अच्छा जाना माना हर्बल ब्रांड है, और इसकी ये जो नाइट क्रीम है वो काफ़ी अच्छी है, और मैं इसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी। थोड़ा सा चेंजिंग के लिए मैंने इसी ब्रांड के दूसरे क्रीम को ट्राई करना, इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसकी MRP 675 रुपीज़ है, लेकिन ऑनलाइन ये आपको उससे सस्ते में मिल जाएगी। 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ दी हुई है, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 50 ग्राम है, और ये जेनीप्लेक्स यूथ कंपाउंड से युक्त है। साथ ही साथ ये बहुत ही ग्रीन साइंस का नई पद्धति से इसका निर्माण किया गया है, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, साथ ही साथ समय से पहले हमारे फेस पे जो झुड़ियाँ आ जाती हैं उससे हमारे फेस को बचाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। ये क्लिनिकली प्रूवेंट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्किन को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ये अधिक हेल्प करता है, साथ ही साथ स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करता है। लेकिन इसकी ये क्रीम मेरा फिनिश हो गया है, देखिए थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा हुआ है, हल्की सी गुलाबी कलर में आता है, और इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत स्मूथ और जेंटल इसकी खुशबू है। कांच के ग्लास के एक जार में आता है, यहाँ पे गोल्डन कलर का और ऊपर में पर्पल कलर का कैप है। इसे मैं लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी तो मेरे स्किन पे ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क किया है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसे अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि फेस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो ये इसके एक डिमेरिट है, बाकी ये क्रीम काफ़ी अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सभी के लिए क्रीम काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, लोटस के इस यूथ एक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम में जेंसिंग, जिंजर एंड मिल्क के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो कि स्किन को नरिश करने में काफ़ी हेल्प करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, और साथ ही साथ एजिंग की समस्या को ख़त्म करने में काफ़ी अच्छा योगदान देता है। अब मैं बात करती हूँ लोटस हर्बल के वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नरिशिंग नाइट क्रीम के विषय में। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। ये वाला जो क्रीम है यूथेक्स एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम, ये काफ़ी पुराना पैक था, तो इसकी आउटर बॉक्स मैंने कहीं फेंक दिया है। ये अभी मैंने तुरंत 15 डेज पहले परचेज किया है, तो इसका आउटर बॉक्स मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसे ओपन करके मैं दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके की क्लासी पैकेजिंग में आता है दोस्तों, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी अच्छा क्रीम है। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 40 ग्राम है, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है।
इसकी प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 295 रुपीज़ है। ऑनलाइन ये इससे भी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की दी हुई है और ये कुछ इस तरीके का क्रीम है। देखिए ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, वाइट कलर का क्रीम है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जेंटल खुशबू है। स्किन पर ये बहुत जल्दी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका एक बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे लगाने के बाद स्किन पे बिल्कुल भी स्वेटिंग की समस्या नहीं होती है। तो ये क्रीम जो है, मुझे इस क्रीम की तुलना में मुझे ये वाला क्रीम जो है वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नरिशिंग नाइट क्रीम, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। 15 डेज से ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। और अब इसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग रेंज का ये बहुत अच्छा, लोटस का बहुत अच्छा क्रीम है जो कि एडवांस फॉर्मूले के साथ आता है और ट्रिपल एक्शन में स्किन में तीन तरीके से कार्य करता है। स्किन को लाइटन अप करता है, वाइटनिंग प्रदान करता है, साथ ही साथ स्किन को ब्राइटनिंग भी प्रदान करता है। ये रेयर फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, साथ ही साथ ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है जो कि अंदर तक स्किन को पेनिट्रेट करता है और स्किन में जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने में काफ़ी योगदान देता है। इसका रिजल्ट जो है आपको 7 डेज के अंदर नज़र आने लगेगा। स्किन को फेयर, फ्लॉलेस और रेडिएंट बनाने में ये काफ़ी अधिक हेल्प करता है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, डॉट डॉट करके फेस पर लगा लीजिए। फेस को क्लीन अप करने के बाद उसे हल्के हाथों से मसाज करिए, क्रीम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद आप आराम से रिलैक्स होकर सो सकते हैं। मॉर्निंग में फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, आपकी फेस बिल्कुल स्मूथ, फ्लॉलेस, ग्लोई और सॉफ्ट सॉफ्ट आपको नजर आएगी। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि स्किन को पेनिट्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। मेलबरी एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा मिल्क एंजाइम दिए हुए हैं जो कि स्किन को ब्राइटन अप करता है। साथ ही साथ इसमें सेक्सी फ्रेगा एक्सट्रैक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्रीम है और 3-in-1 इसके रिजल्ट है, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये दोनों क्रीम बहुत अच्छी है। अगर आप अफोर्डेबल सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हैं वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नरिशिंग नाइट क्रीम। और अगर इससे ऊंचे रेंज में जाते हैं तो निश्चित रूप से ऊंचे रेंज का है तो थोड़ा बहुत अधिक फ़ायदा इससे तो ज़रूर होगा, पर दोनों के फ़ायदे सिमिलर हैं। इससे लगाने के बाद मुझे स्वेटिंग की समस्या हुई थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये दोनों नाइट क्रीम बहुत अच्छा है, सस्ता अगर चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं और अगर आपका बजट अधिक है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही दोनों नाइट क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा फिनिश हो गया है तो इसे मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ और इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसका रिजल्ट मेरे फेस पर काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों नाइट क्रीम काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो दोनों में से कोई एक परचेज कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इसके विषय में कुछ और क्वेश्चन आपको है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ आपसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। बाय बाय।